भाई ये है मेरी 2019 मॉडल i20। हाँ जी। और ये मैंने ली थी लास्ट, सबसे पहली जर्नी तो मेरी यही थी गाड़ी को लेके, कि पहले मैंने इसको टॉप में कन्वर्ट करा था 60-65 वॉट के, मतलब ये नॉर्मली है, ये लुक के लिए है। वाइपर फिल्टर स्टिकरिंग करवा दी तो थोड़ा सा सिंपल के साथ भी थोड़ा स्पाइसी टच हो गया। भाई वही बात है, जो जो मार्केट में नई नई चीज आएंगी वो तो टेस्ट एंड ट्राई। तुमने टोटल कितना लगा चुके अपनी गाड़ी में अब तक? भाई यही क्वेश्चन का सवाल आज तक ढूंढ रहा हूँ मैं। आज हमारी वीडियो में अपने लक्ष्य भाई, तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया भाई, थोड़ा अपना लिटिल लिटिल इंट्रो हो जाए भाई। भाई मेरा नाम लक्ष्य राणा है, मैं स्टूडेंट हूँ करंटली, मैं BBA कर रहा हूँ अभी। हाँ जी, कॉलेज से गुड़गांव में ही पढ़ता हूँ मैं, NCU में। और भाई ये गाड़ी है मेरी i20। तो भाई अपनी i20 के बारे में बताओ भाई, कैसे लिया आपने, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरियंट है? भाई ये है मेरी 2019 मॉडल i20। हाँ जी। और ये मैंने ली थी लास्ट 2023 मार्च में, 2023 पेट्रोल i20 है ये। और जो अपना एक बेस मॉडल आता है एरा से ऊपर वाला वेरिएंट है मैग्ना। हाँ। और मैंने टोटली कन्वर्ट करा रखी है टॉप मॉडल में, जो एस्ट ऑप्शनल है। हाँ। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करा रखी है। तो भाई जैसे कि मैं आपकी गाड़ी में फ्रंट में देख रहा हूँ कि हेडलाइट कुछ अलग है। भाई हेडलाइट कुछ अलग नहीं है पहली बात तो, तो भाई ये बताओ कि क्या क्या करवा रखा अपने हेडलाइट में पहले तो? ये पहली बात तो एस्टा ऑप्शनल में जो बिल्कुल टॉप मॉडल होता है ना। हाँ। उसकी हेडलाइट है ये, उसमें आती है ये, जिसमें प्रोजेक्टर विद नीचे DRL आती है। हाँ। तो ये मैंने पहले ये परचेज करी थी, पहले बिल्कुल सबसे पहली जर्नी तो मेरी यही थी गाड़ी को लेके, कि पहले मैंने इसको टॉप में कन्वर्ट करा था। हाँ, बेस टू टॉप कुछ भी नहीं था पहले। मैं भाई को वीडियो दे दूंगा, भाई वीडियो अटैच कर देंगे इस क्लिप में। तो पहले मैंने इसमें नॉर्मल पूरी की पूरी दोनों सेट डलवाए थे इसके प्रोजेक्टर के। उसके बाद भाई मैंने इसके अंदर अजूम की 150 वॉट डलवा रखी है LED, क्योंकि जो कंपनी से आती है वो आई थिंक मेरे ख्याल से हेलोजन बल्ब होता है उसकी, मतलब इतनी विजिबिलिटी नहीं है रात को, दिन में भी नहीं, और रात को दिन में तो चलो काम नहीं है पर रात को नहीं है उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी। तो भाई उस टाइम पे मैंने वो डलवा। इनका रिस्पॉन्स कैसा है भाई? रात को बढ़िया है इनका बढ़िया रिस्पॉन्स है, मतलब कोई दिक्कत वाली मेरे को ऐसा सच कोई बात नहीं आई। और अपने नीचे फॉग लैंप में? भाई नीचे फॉग लैंप का भी यही किस्सा है, ये बेस है तो सेकंड बेस है सॉरी। हाँ। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं आता। तो ये भी आपने लगवा रखे हैं? मैंने ये विद DRL वाले, मैंने ऑटो म्यूजिक एम्पोरियो करके है एक शॉप। हाँ। करोल बाग में, मैंने वहाँ से ये पूरे के पूरे दोनों के दोनों वो डलवाए। तो भाई जैसे कि आपने टॉप मॉडल में स्टाइल है बाय द वे ये। हाँ। मैंने मैट्रिक्स वगैरह तो बंद करवा रखे क्योंकि फिर वो अच्छे नहीं लगते ऊपर वाली DRL के साथ। तो नीचे का स्विच तो मैंने दोनों का हटवा रखा है, ऊपर मैंने इनमें भी LED डलवा रखी है वाइट H4 LED। कितने वोट की भाई ये? आई थिंक 60-65 वॉट की, मतलब ये नॉर्मली है, ये लुक के लिए है वाइट। जैसे मैं डीमन आई चला लूँ। हाँ। में तो ये डीमन आई मेरी टचवुड ब्राइट है काफ़ी, तो फिर उसमें थोड़ा लुक बन जाता है इसमें। तो जैसे कि आप बता रहे हो डेनिम आई आपने करवा रखी है। हाँ, मैंने ये एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये पूरा का पूरा लाइट ओपन करवा के अंदर से डीमन आई लगवाई, फिर मैंने पूरी लाइट स्मोक करवा दी। हाँ। क्योंकि फिर थोड़ा लुक सिंपल रह गया था, जिससे कि ना लुक थोड़ा अल्टीमेट हो गया, मतलब अलग से लग रही है कि भाई i20 है। हाँ, और थोड़ा फिर मैंने हाँ। तो भाई देखो जैसे कि
हाईलाइट करवा रखी है। और भाई डेनिम आए भाई अपनी ऐप कंट्रोल, हाँ भाई ऐप कंट्रोल है तो भाई मल्टीपल कलर है इसमें, तो अपने सारे कलर की है तो अपने जला के दिखा देते एक बार। हाँ जी वो है ना रोशनी तो इसलिए इतना आउटपुट दिखेगा नहीं, पर आपको दिख जाएगा थोड़ा, फिर भी कैमरे में दिख रहा, बाकी ऐप कंट्रोल में आपको दिखा देख लो भाई पर्पल कलर में। बाकी भाई रिस्पॉन्स कैसा रात में, मतलब अल्टीमेट का तो क्या रिस्पॉन्स होगा, नहीं जैसे रिएक्शन कैसे है, रिएक्शन आपने देखे होंगे देखने के बाद, मतलब कोई पब्लिक देखती तो भाई एक बार देखती तो होगी मुड़ के जरूर गाड़ी को, क्योंकि भाई हम आगे से थोड़ी कस्टमाइज है, हाँ आगे से है नो डाउट, पर हाँ इतनी है, पर मैंने सोबर रख रखी है भाई इतनी ज्यादा मैं, हाँ करवा लिया। बाकी मैं आपकी गाड़ी देख रहा हूँ भाई, आपने जेड ब्लैक करवा रखी है, रिकमेंडेड तो नहीं है भाई, पर ये तो भाई हम थोड़ी लुक के लिए भाई, जब इतना काम करवा लिया तो हाँ। ये भी करवाई नहीं, ये चीज़ तो हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, देख हम देख मत करवाना नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे है ना भाई। भाई ठीक है, हाँ। जिसका है भाई वो करवा लो किसी, हाँ। के बातचीत वगैरह भाई, बाकी भाई अब थोड़ी तमीज से बात कर लो, प्यार से कर लो, हाँ वही है भाई सब इंसान ही है, हाँ। समझते हैं सब ढंग से, ये तो ये तो है भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और भाई साइड प्रोफाइल में देख रहा हूँ तो भाई आपने अपने एलॉय भाई चेंज करवा रखे है भाई, ये पेंट करवा रखा अपने भाई, इसकी भी स्टोरी बताता हूँ मैं, हाँ भाई पहले थे 16 इंच के मल्टीपल, वो मल्टीपल स्पोक्स कह रहा हूँ सॉरी 5 स्पोक्स जो आते हैं, हाँ वो सन के वो थे भाई, वो मेरे से थोड़े है ना मतलब ब्रेकर पे बेंड हो गए थे, हाँ क्योंकि उसमें थे चाइनीज टायर, क्योंकि वो वाइड थे मतलब इतने वाइड थे, हाँ और प्रोफाइल बहुत ज़्यादा छोटी रख रखी थी मैंने उसमें, लो प्रोफाइल, हाँ लो प्रोफाइल थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइनीज टायर में ही आती है लो प्रोफाइल, कोई ढंग की ब्रांड में तो किसी में भी नहीं आती, तो वो बेंड हो गए थे। फिर मेरा थोड़ा मन था कि मैं कंपनी ही OEM जिसे वर्ड है प्रॉपर, हाँ कंपनी फिटेड में OEM में जाना चाहता था मैं, इसलिए फिर मैंने Hyundai से ये परचेज करके, हाँ ये गन मेटल कलर में आते हैं भाई, हाँ फिर मैंने इन पे पियानो ब्लैक वो करवा दिया था पेंट, तो भाई देख लो ये भी मतलब बड़े प्यारे लग रहे हैं एलॉय, और आपने जो अपनी स्टिकरिंग करवा रखी ना इससे थोड़ा लुक इनहेंस हो गया है भाई, वो प्रोफाइल छुपाने के लिए बेसिकली, आप जो भी कहो जो चलती चलती है ना थोड़ी यूनिक लगती है, हाँ लेमैन की टर्म में थोड़ी यूनिक लगती है भाई गाड़ी की, अलॉय में कुछ काम भी नहीं करा रखा, ब्लैक तो सब पे वाइट पे ब्लैक का बहुत बढ़िया कॉम्बो आता है, ये तो है भाई, और उसके ऊपर फिर टायर स्टिकरिंग करवा दी तो थोड़ा सा सिंपल के साथ भी थोड़ा स्पाइसी टच हो गए, हाँ भाई। और जैसे कि आपने भाई अपने साइड में साइड ये स्प्लिटर लगवा रखे, भाई मैंने फ्रंट में भी लगवाए थे, हाँ और वो इसका क्या है ना मैं आपको इसकी कहानी बताऊँ, i20 की i20 क्या है ना आगे से ज्यादा लोवर्ड है, हाँ जैसे कंपैरिजन में आप वरना ले लो, वरना आगे से ठीक है ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ जी पर उसकी नीचे जो साइड प्रोफाइल है उसमें से कम है, हाँ i20 की क्या है i20 नीचे से ऐसी है इस शेप में, तो जैसे आप थोड़े स्लोप में से उतारोगे ना ब्रेकर पे तो वहीं टूट जाएंगे, तो उसकी वजह से तो स्प्लिटर कामयाब नहीं है अपने i20 में, वैसे बड़े बहुत ही प्यार से चलानी पड़ती होगी, फिर चलाने के ऊपर है भाई, हाँ मेरे से टूट गए थे ऑनेस्टली मैं आपको बात, बाकी भाई देख के पड़े ही थे मेरे पे। और बाकी एक बार साइड लुक देखो भाई गाड़ी का, बड़ा प्यारा लुक लग रहा है, और जो जेड ब्लैक मतलब एक चीज आपने सुनी होगी भाई, गाड़ी में कुछ मत करवाओ, एलॉय डलवा लो और जेड ब्लैक करवा लो, है ना भाई, ये तो है। और बाकी भाई जैसे बैक प्रोफाइल पे आते हैं अपनी गाड़ी पे, तो भाई बैक प्रोफाइल में आपने क्या चेंज करवा रखा है, बैक प्रोफाइल में भाई ऐसा सच कुछ भी नहीं है, हाँ बस ये मैंने रिफ्लेक्टर लाइट लगवा रखी है इसमें, भैया इंडिकेटर समय, हाँ मैट्रिक्स है मैं दिखा देता हूँ आपको, अच्छा दिखा भाई देख लो, और भाई पीछे भाई ने स्पॉइलर लगवा रखा है, और भाई ये देखो मैट्रिक्स में, हाँ ये मैट्रिक्स है, बाकी ये मैंने स्मोक इसलिए नहीं करवाए, हाँ इनका ग्लास स्मोक ही आता है, बस हाँ इन फ्यूचर मैं इसको वाइट पेंट जरूर करवा दूंगा, जो ये मैट है ना, हाँ ये वाइट पेंट करके इसके ना थोड़ी लुक फिर थोड़ी लंबी और ब्रॉड आ जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी बैक में भाई एक बहुत सिंपल एंड स्लीक स्पॉइलर लगेगा, कहते हैं कि तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, हाँ कोई कुछ कहते हैं, बेसिकली मेरे हिसाब से मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, पर शायद नंबर हाईलाइट करने के लिए कुछ वो है ना एक स्पेस सा ना थोड़ा यूनिकनेस आ जाती है इससे, हाँ मैंने तो लुक के लिए लगा रखी भाई कि लुक थोड़ी लुक अच्छी लगती है, वो मैंने भी इसलिए लगाई थी, टू बी ऑनेस्ट भाई मैंने ना बहुत सारी गाड़ियों में देखी थी, बाकी भैया आपने जो ऊपर सार्किन एंटीना लगवा रखा है ये लगा हुआ था, ये लगवाया नहीं भाई, इसमें सबसे बड़ा वाला जो एक पतली लंबी वायर सी होती है ना, हाँ वो आया था इसमें, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, और आप पीछे वाला स्पॉइलर भी, हाँ भाई पीछे वाला स्पॉइलर भी मैंने आफ्टर मार्केट, तो भाई ये देख लो ब्लैक कलर का स्पॉइलर, और स्पॉइलर का भी ये है कि मेरे को करंटली ABS में बैटमैन मिल नहीं रहा जो प्रॉपर i20 का आता है, फाइबर के मेरे को मिल रहे हैं पर फाइबर का मेरे को अभी करवाना नहीं, क्योंकि उसमें है ना एक तो शेप बिल्कुल भी शार्प नहीं होती, हाँ और वो अलग अलग सा लगता है, प्लस फाइबर क्या है ना गर्मियों में एक्सटेंड होके फटता है,
हाँ वो तो फाइबर की है, और फिर वो मेरे को ड्रिल करवाना पड़ेगा इस गाड़ी में। हाँ ड्रिल तो कराना पड़ेगा। हाँ तो और फिर दिल दुखेगा। दिल भी दुखेगा भाई, फिर वही है ना, थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो गया, फिर रस्ट की दिक्कत। हाँ तो फिर मैंने वो नहीं करवाया, इसलिए ABS में ढूंढ रहा हूँ, शायद करोल बाग में मिल जाए। तो भाई चलो अपनी गाड़ी में अंदर चलते हैं। अंदर आपने क्या काम करवा रखा है? जैसे कि भाई ने ऊपर तो भाई अपनी ब्लैक रूफ करवा रखी है, और भाई ब्लैक अपनी है ही, और अंदर चलते हैं। तो भाई ये देखो भाई अंदर का लुक। भाई मैं जैसे कि देख रहा हूँ आपने एम्बियंस लाइट लगवा रखी है। हाँ जी भाई एम्बियंस लगवा रखी है मैंने। भाई अपनी कौन सी है ये? भाई ये K3 है। मैंने K4 का पूछोगे कि K4 क्यों नहीं लगवाई आपने? हाँ तो भाई वो K4 है ना, थोड़ी छपरी स्टाइल लगती है, वो जैसे ऐसे फ्लोट करती है ना। हाँ फ्लोट करती है, वो अच्छी नहीं लगती। वो सातों के सातों कलर फ्लोट होंगे, वो करेंगे, वो नहीं लगती मेरे को। तो भाई वैसे प्राइस डिफरेंस भी 500 रुपए का ही है, इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा तो भाई देखो भाई क्या प्यारी लग रही है। वैसे भाई बड़ा प्यारा लुक आ जाता है इसके बाद गाड़ी में, मतलब ज्यादा ओवर काम भी नहीं लगे को, बढ़िया लगती है। हाँ। दिन में तो फिर भी ठीक ठाक है, फिर भी दिन में मतलब अच्छा रिस्पांस है कि मतलब अच्छे से दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी भाई आपने सीट कवर चेंज करवा रखे भाई? हाँ भाई ये सीट कवर चेंज है, ये तो भाई आपने स्पेशली बनवाए थे ये। हाँ। ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बो, तो मतलब आपने अपने अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करवा रखा है। मैंने मतलब भाई बहुत सोबर मॉडिफिकेशन। हाँ ये नहीं कि किसी को देख हम देख कुछ करवा दिया हो। हाँ, अपने हिसाब से चलना है। हाँ मैं बहुत सिंपल रख रखे मैंने। और बाकी भाई अपने GFX के मैट लगवा रखे भाई ने। हाँ लाइफ लॉन्ग मैट्स हैं भाई। बाकी ये बताओ भाई आपने अंदर और क्या क्या काम करवा रखा है? भाई अंदर अंदर तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था मैगना है। हाँ तो भाई इसमें है ना ये स्टीयरिंग कवर नहीं आते, स्टीयरिंग कंट्रोल आए, सॉरी स्टीयरिंग कंट्रोल। हाँ जो भी है स्टीयरिंग कंट्रोल है। हाँ तो भाई ये मैंने खुद ही करवाए थे इनसे, आफ्टर मार्केट है ये वैसे। तो हाँ। भाई सारे वर्किंग है? हाँ फुल्ली फंक्शनल है भाई ये सारे दोनों तरफ के। हाँ जी भाई। तो भाई देख, और भाई मैंने डिस्प्ले लगवाई थी, प्लस मैंने स्टीयरिंग भाई अपनी पैना साउंड की डिस्प्ले है। तो भाई रिस्पांस कैसा था? भाई ये मेरे पास पुराने मेरे पास एक स्विफ्ट थी। हाँ उसमें लगी हुई थी, तो मैंने उसमें से ही हटवा दी, उसमें से मतलब वो मैंने सेल करी थी कास्ट 24 को। हाँ तो उस टाइम मैंने उसमें सेट वाली थी भाई। भाई देख लो, और भाई भाई ने बिल्कुल भाई बड़ी सिंपल गाड़ी रख रखी है, और बहुत प्यारी लग रही है ये देखो भाई। और मतलब नीट एंड क्लीन तो इतनी है भाई कि भाई खुद साफ करते हो क्या गाड़ी? हाँ जी भाई मैं खुद ही साफ करता हूँ, मैं करवाता नहीं भाई। तो भाई जब इतनी नीट एंड क्लीन है भाई। और बाकी भाई पीछे देखो, और भाई आपने जो ये सीट कवर बड़े प्यारे लग रहे हैं ओवर, एक तो जो कलर है आपने जो पसंद किया वो बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब ओवर नहीं हो रहा। कई मतलब करवा लेते अलग अलग कलर के, तरंगी कलर वही वही है ना कुछ। हाँ। वो करवा देते हैं, वो फ्लफी वाले होते हैं ना, वो सोफे हाँ। वाले वो करवा लेते हैं। हाँ। मेरे को बिल्कुल सिंपल सोबर लुक चाहिए था। एक मैं ये सोच रहा था कि मैं इस वाले ये कलर है ना, ये जो बेज कलर है। हाँ। हाँ मैं बीच कलर के साथ करूँ, पर फिर है ना यार ये गंदा बहुत जल्दी हो जाएगा इस फाइल में, तो ये ब्राउन में इतना दिखता नहीं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है, एलिगेंट लगता है। हाँ ये तो है। बाकी भाई आपने नीचे भी एटमॉस्फेयर लाइट लगवा रखी है भाई, है ना? भाई ये 10 पीस की है ना कि अच्छा इसके साथ 10 पीस की है, तो भाई ये भी आप कंट्रोल लिया। हाँ तो देख लो भाई, मतलब आपको रेड कलर थोड़ा पसंद है? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो रेड मैं इतना छेड़छाड़ नहीं करता इसके साथ। ये मैंने अभी भी ये लो कर रखी थी है। हाँ। क्योंकि रात को जब मैं जेड में चलाता हूँ ना, तो इसमें रिफ्लेक्शन आती है, फिर वो बहुत ज्यादा गंदी लगती है। तो भाई जैसे कि आप बता दो जेड ब्लैक में दिक्कत नहीं होती चलाने में रात में? आदत की बात है भाई। आदत होगी आपको बिल्कुल? नहीं ऐसा कुछ इतना नहीं है, ये थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन आती है भाई इसमें। हाँ। दिन में तो ऐसे भाई मैं देख रहा हूँ क्वालिटी आपकी, जो जेड ब्लैक की क्वालिटी है बड़ी अच्छी है, मतलब अच्छे से मतलब बाहर अंदर का दिख रहा है भाई। ये है ना 3M का टिंट है। हाँ। एक नॉर्मल आता है कि आपका 500 रुपए वाला भी होता है, ये अपना भाई 3M का, ये रोल ही 2000 रुपए का आता है। तो इसके ऊपर 500 विजिबिलिटी अच्छी इनकी। हाँ भाई रात को बढ़िया दिख जाता है मेरे को, क्योंकि दिन में भी अच्छे से दिख रहा है, नहीं मतलब बाहर से कुछ नहीं दिख रहा पर अंदर वालों को अच्छे से दिख रहा है बाहर का। हाँ जी भाई ऐसा। हाँ। है इसका देख लो भाई, और पीछे मैंने कर्टन लगा रखा भाई। और बाकी तो भाई अब साउंड के पूछते हैं, अपने साउंड में क्या काम करवा रखा है भाई? मेरा जो साउंड को लेके टेस्ट है ना वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं इतनी नहीं चाहिए भाई मेरे को। हाँ मेरे को सिंपल सोबर लुक चाहिए भाई साउंड का। हाँ हल्का फुल्का बेस हो। हाँ और वोकल्स। तो भाई डोर्स में आपने क्या लगवा रखा है? भाई मेरे में जो आगे है वो है ना रेफरेंस के कंपोनेंट है। हाँ। और पीछे कोएक्सल है। हाँ। इन्फिनिटी प्राइमस के। हाँ। और इसमें SNB का भाई मैंने साउंड ब्लास्ट का मैंने वो लगवा रखा है एम्प डबल कॉइल में। हाँ। स्कोशिया की वायरिंग है इसमें। JBL का RC कन्वर्टर है। हाँ। और बेस ट्यूब मेरी JBL की है। JBL की। हाँ अप्रोक्सीमेटली वही, मैं उसकी तरह तो नहीं है कि भाई मैं बोल दूं सबकी तरह कि भाई 1500 RMS है। हाँ। है भाई मेरी जेन्युइनली 400 RMS है भाई। हाँ। पर उसकी मैं भाई को फील दिखा दूंगा, आप ईयरफोन्स लगा लेना इस चीज़ के लिए,
तो भाई आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। हाँ ये तो है, ईयरफोन लगाने के बाद थोड़ा अच्छा पता चलेगा वोकल का भी। तो भाई चलो भैया और बिना देरी करे बस साउंड सुनाते हैं अपना। हाँ जी भाई, हम चेक करवाते भाई, प्ले कर दो सॉन्ग। हाँ जी तो भाई जैसे कि आपने सुना होगा साउंड बड़ा ही प्यारा और वोकल बड़ी क्लियर आ रही है भाई। भाई मेरा वही है, थोड़ा टेस्ट है ना मतलब। हाँ। सिंपल टाइप का मेरा, इतना नहीं है कि मैं तो मतलब जैसे कि आपने काम इतना है सिंपल सोबर अपना। हाँ। गाड़ी में बैठे हैं ना तो चुभे ना, मैं लॉन्ग जितना भी लंबा चला लूं मैं। हाँ। गाड़ी को तो मेरे को ऐसा है कि बंद ना करना पड़े। हाँ। ऐसा है मेरे को, परेशान ना हो मतलब, इतना कोई परेशान ना हो, इसलिए सबको पसंद आती है भाई इसकी। तो हमने लॉन्ग जैसे लॉन्ग जर्नी हो तो उसमें भी पसंद आएगा। हाँ भाई बढ़िया है भाई, मैं ना इतना हाई एंड है बिल्कुल और ना लोअर है, मतलब जो बीच का है ना बिल्कुल वैसा है ये कि। हाँ। इतना ना कोई कान को डिस्टर्ब करे या वैसे। हाँ। ना नॉर्मल सी साउंड आ रही है, अच्छी है, बढ़िया। तो भाई जैसे कि आपने इतना अच्छा साउंड करवा रखा, तो भाई मैं लास्ट में एक क्वेश्चन करता हूँ कि भाई आपने टोटल कितना लगा चुके अपनी गाड़ी में अब तक। भाई यही क्वेश्चन का सवाल आज तक ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा भाई मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने कभी है ना ऐसे काउंट नहीं करा इस पे, फिर भी एक शौक के पर्पस से करवाता हूँ। मोटा मोटा आइडिया हो तो फिर भी एक लगा। मोटा मोटा मैं एक दिन ऐसे ही रात को रफ कैलकुलेशन मार रहा था। हाँ। तो भाई मेरा मेन खर्चा इसमें जो लगा है ना। हाँ। वो आधा खर्चा तो इसको बेस टू टॉप कन्वर्ट करने में लगा है। हाँ। क्योंकि भाई से मैंने पहले वीडियो से पहले डिस्कस करा था कि मेरा मोटा मोटा खर्चा भाई जैसे अलॉय हो गए वो मैंने नए लिए थे, हेडलाइट होगी इसकी वो मैंने नहीं ली थी, फिर मैंने सिस्टम में भी मेरा अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 का काम हो रखा है। हाँ। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास तो लग गए होंगे भाई आराम से, क्योंकि मेरे पास पहले भी अलॉय लिए थे मैंने। हाँ। तो 2-2.5 के बीच में। तो भाई जैसे कि आपने 2-2.5 लाख लगा दी तो वर्थ है भाई लगाने भाई, ये आपको वर्थ लगे? भाई मेरे को तो ऑब्वियसली वर्थ लगेंगे, मैं क्यों कहूँगा कि मेरे को वर्थ नहीं लगे, फिर मैं लगाते ही क्यों। पर हाँ भाई शौक के ऊपर है, अब तुम्हारा शौक है और है तो भाई लगवा लो। और कुछ आप रिकमेंड करना चाहो किसी को भी ऐसा साउंड लगवाना चाहे कोई, मतलब जैसे आपने करवा रखा? भाई देखो मैं उसको ही रिकमेंड करूंगा जो बंदा जिसके पास या तो सिंगल कार हो या कोई फैमिली के साथ ज्यादा ट्रैवल करता हो। हाँ। वो लगवा लो, बाकी सबकी अपनी प्रेफरेंस है भाई। हाँ, वो तो जैसी चाहिए, मेरे को सिंपल चाहिए था। हाँ। इसलिए मैंने भाई सिंपल लगवा लिया। देख लो बाकी भाई। सही कॉस्टिंग में यार 40-50 हज़ार रुपए में तो सिस्टम मतलब एक नॉर्मल रेंज शुरू होती है, उसमें आपको इतना सही मिल रहा है तो कोई मेरे हिसाब से तो दिक्कत है नहीं। हाँ ये तो है। और बाकी भाई इन फ्यूचर कुछ नया लाने का सोचा है? इन फ्यूचर मैंने इसमें ना एक तो एम मैंने भाई को बताई थी मॉन्स्टर स्टाइल, मेरे को वो लेके आना है साइड मिरर कवर। हाँ। इसमें एक बैटमैन स्पॉइलर लगेगा। हाँ। ABS जो प्रॉपर आता है। अभी भाई ने बहुत कुछ सोच रखा है वैसे तो, इन फ्यूचर जल्दी कुछ नया आएगा तो अभी बताएंगे नहीं, सब कुछ बता देंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा भाई। वही तो, बात है, जो मार्केट में नई नई चीज आएंगी वो तो टेस्ट एंड ट्राई। तो बाकी सीधा ऑडियंस को दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई और वैसे अगर भाई की गाड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।